वेलकम टू तो जी आर एस टेक्निकल तो कैसे हो आप सब आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिसनिंग यूनिट से सो so, आज के इस वीडियो को आप सभी लास्ट तक देखिएगा वीडियो हेल्पफुल होती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो आपसे एक्सामिनेशन में पूछा जा सकता है राइट डाउन द डिफरेंट वेज ऑफ इंप्रूविंग लिसनिंग स्किल्स और ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो प्लीज मार्क इट एज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सो आप लिख सकते हो वेज टू इम्प्रूव लिसनिंग स्किल्स आर एज फॉलोज फर्स्ट होता है मेंटेनिंग आई कॉन्टेक्ट विद स्पीकर कोई सा भी जो स्पीकर है वो बोल रहा है अपना स्पीच दे रहा है या कोई टीचर है वो आपको पढ़ा रहा है कभी भी कोई सा भी स्पीकर हो आपको उससे आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना चाहिए इससे क्या होता है आपको लगेगा कि आप समझ रहे हो और आप समझोगे भी और स्पीकर को भी लगेगा कि हाँ यार मेरा कोई सुन रहा है दूसरा है विजुअलाइज वॉट स्पीकर इज सेंग आपको विजुअलाइज करना चाहिए कि स्पीकर जो है वो बोल क्या रहा है तीसरा प्रैक्टिस लिस्निंग अगर आप सुनते रहोगे किसी का कहते हैं ना बी अ गुड लिसनर बी अ गुड लिसनर हम क्यों बोलते हैं क्योंकि लिसनिंग भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है बहुत मैजिक होता है इसमें बहुत पावर होता है इसमें तो प्रैक्टिस लिसनिंग अगर आप सभी का सुनोगे अपने दोस्तों का भी बोलोगे क्योंकि बोल तो हर कोई सकता है लेकिन सुनने की जो शक्ति होती है ना बहुत कम लोगों के पास होती है तो प्रैक्टिस लिसनिंग फोर्थ वन इज़ डोंट इंटरअप जब दो व्यक्ति बात कर रहे हो कोई बोल रहा हो तो आपको उसके बात को काट करके अपनी बात नहीं रखनी चाहिए पहले सामने वाले का जो बात है वो आप अच्छी तरीके से सुन लो और उसके बाद है आप अपना ओपिनियन अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो फिफ्थ पॉइंट है क्वेश्चन। ठीक है अगर आपको कोई सब भी समझ में नहीं आता है कुछ भी डाउट है तो आप उस बारे में पूछ सकते हो लेकिन स्पीकर जब पूरा बोल ले तब जा करके के आपको पूछना है ठीक है सिक्सथ है कि पे प्रॉपर अटेंशन टू नॉन वर्बल क्यूज़ जब भी स्पीकर जो होता है कुछ बोल रहा है तो आप उसके बॉडी लैंग्वेज को देखो कि उसके हैंड मूवमेंट को देखो उसके टोन को देखो कि भाई उसके अंदर है क्या जो कि सभी लोग इसके सुनते हैं ठीक है उसका हैंड मूवमेंट कैसा हो रहा है आई एक्सप्रेशन कैसा हो रहा है ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है सेवेंथ वन होता है कि प्रोवाइड स्पीकर अ फीडबैक जब भी स्पीकर कुछ बोल रहा हो कुछ कह रहा हो तो हमेशा उसके एंडिंग हो जाने के बाद आपको उसका एक फीडबैक देना मस्ट होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि राइट डाउन द डिफरेंट बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन तो आप लिख सकते हो डिफरेंट बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन आर एस है फॉलोज पहला हो जाएगा इन्फॉमेशन ओवरलोड दूसरा हो जाएगा पर्सनल कंसर्न और इश्यूज तीसरा आउटसाइड डिस्ट्रैक्शन जैसे कि बाहर में आवाजें आ रही हैं कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उस पर ध्यान दे रहे हो उस पर आपका फोकस चला जा रहा है फोर्थ आ जाएगा प्री और फिफ्थ वन इज़ रेट ऑफ स्पीच एंड थाट ठीक है आज के इस वीडियो में हम लोगों ने लिसनिंग पार्ट कंप्लीट कर लिया है होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा वीडियो अच्छा।